चुनाव का माहौल आप देख रहे हैं, सब बदल दिया है। बब्बर साहब लाखों वोटों से जीतेंगे, आप देख लेना। और ये जो राविंदर जीत है, जो पिछले 20 साल से जो अहंकारी राजा जिसने यहाँ पे डेरा जमाया हुआ है, जो मतलब कहीं पे वो आते नहीं जाते नहीं है, अब वो अच्छी तरह से हारेंगे और बब्बर साहब जीतेंगे। गुरुग्राम के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं प्रोफेसर सुभाष सप्रा इन दिनों कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी राज बब्बर के चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए, तो आइए करते हैं उनसे एक मुलाकात। आई एम प्रोफेसर सुभाष सप्रा, लीडर ऑफ कांग्रेस। पूरा माहौल इस टाइम जो है ना, बिल्कुल फेवर में चल रहा है। लोगों में बड़ा उत्साह है, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो लेडीज हैं, चाहे जेंट्स हैं, चाहे ग्रामीण है, चाहे शहरी है, सभी समस्याओं का समाधान अब बब्बर साहब ही करेंगे। जो सारी जो समस्याएं हैं आप देखते हो यहाँ पे गुड़गांव में स्पेशली किए राविंदर जी ने। हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल आप देखिए यहाँ पे, अब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। कौन से हॉस्पिटल? प्राइवेट हॉस्पिटल फोर्टिस है, मेदांता है, आर्टिमिस है, जहाँ पे 2-3 दिन एडमिट होते हैं तो 2-3 लाख रुपए खर्च होते हैं। परंतु जो गरीब व्यक्ति है, जो मजदूर व्यक्ति है, वो तो बेचारा कहाँ जाएगा? उसको शहर में जाना पड़ता है सिविल हॉस्पिटल में। और सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे पुराना जो सिविल हॉस्पिटल था, इट वॉज वेरी नियर टू बस स्टैंड, उसको बिल्कुल जर्जर करके तोड़ के वहां पे पार्किंग बनाई हुई है। मतलब इट इज हैपेंड, बताइए आप है। एजुकेशन देखो आप, कॉलेजों में पूरे हरियाणा में 8400 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है गवर्नमेंट कॉलेजों में, 4800 खाली पड़ी है, 60% खाली है। यही इसी तरह से गुरुग्राम लोकसभा का भी यही हाल है। जितने भी कॉलेज हैं, मतलब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कौन पढ़ाएगा बच्चों को? और सबसे बड़ी बात है, जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टॉपर्स हैं यूनिवर्सिटीज के, हैं वो बेचारे बेरोजगार बैठे हुए सड़कों पे घूम रहे हैं और ओवर एज हो रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां, अब देखो ये एमएनसीज, 500 से ज्यादा एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी टॉप मोस्ट, जो टॉप मोस्ट इन दी वर्ल्ड हैं, उनके एम्प्लॉइज हैं यहाँ पर। तो उनको चाहिए स्किलनेस अच्छे। अब स्किलनेस कैसे, कहाँ से आएगी जब टीचर ही नहीं है कॉलेजों में? स्किलनेस कहाँ से होगी, कैसे प्लेसमेंट होगी? इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। और ये बिल्कुल हालत इन्होंने बुरी कर रखी है हर तरह से। तो एमएनसीज भी बेचारे वो भी यहाँ पे रहना नहीं चाहते। अब ये देखो पूरा गुड़गांव डस्टबिन बना पड़ा है, हर जगह ढेर पड़े हुए हैं। यहाँ का मेन सदर बाजार ले लो आप, सदर बाजार में जहाँ पे सारी दुनिया आती है, वहां पे खचाखच भरा होता है। और वहां पे देखो अब सारा डस्टबिन बना हुआ है, आप निकल ही नहीं सकते वहां पे, बदबू आ रही है। ट्रैफिक जो है, अब देखो गुड़गांव की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, ट्रैफिक में हर जगह ट्रैफिक, आप चल ही नहीं सकते, गाड़ी तो निकलती नहीं है। पुलिस वाले मतलब ड्यूटी देते हैं, परंतु उनकी व्यवस्था ही नहीं है किसी भी तरह से। अब ये देखिए ना आप, मेट्रो आने वाली चीज क्या हुआ? मेट्रो आप देखो, जब से ये गवर्नमेंट आई है, इसने गुरुग्राम विधान अपने लोकसभा में एक भी थंबा नहीं लगाया मेट्रो का, एक भी थंबा नहीं। अभी इन्होंने डिक्लेयर किया है भाई, पुराने गुड़गांव में जहाँ पे मेट्रो का कुछ एरिया इन्होंने दिया है, मतलब जो है इन्होंने मैप दिया है, परंतु पता नहीं कितने सालों बीतेंगे। नारेबाजी होती रही, चर्चा होती रही। लॉ एंड ऑर्डर का क्या प्रॉब्लम है आपको? लो देखो, आपको मैं बता देता हूँ, आपने बहुत अच्छा पूछा है वैसे। अभी 3 दिन पहले राज बब्बर जी का रोड शो था सदर बाजार में, मेरा मोबाइल जेब में से निकाल लिया, मेरा जेब में से मोबाइल निकाल लिया, पंकज डावर जी उनका मोबाइल निकाल लिया, हाँ जी, किसी और हमारे साथियां उनके रुपए निकाल लिए और वहां पे गिर गए, वो बच गए। मतलब ये जहां पे कितनी पुलिस थी, 60-70-80 लोग थे पुलिस वाले, जहां पे महिला भी थी चाहे वो पुरुष भी था, अभी तक मेरी शिकायत नहीं ली उन्होंने। हम तो यही प्रार्थना करेंगे, ये जो राजा है अहंकारी राजा, इस बार उनको जरूर से जरूर हराना चाहिए। कोरोना टाइम में वो कभी नजर नहीं आई थी जहां पे इतनी बड़ी मारामारी थी। और बब्बर साहब एक बढ़िया इंसान है, पूरा तजर्बा है, यानी ही इज न्यू टू दिस प्लेस, पूरा लाइफ का तजर्बा है। बड़े अभिनेता रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, 5 बार के सांसद रहे हैं, है वहां पे उन्होंने अच्छी तरह से विकास किया है और उसी तरह से वो विकास यहाँ करेंगे बिल्कुल। अब इसलिए जो है ना, 36 बिरादरी, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे BCA है, चाहे वो बी है, मतलब जो भी सभी का, चाहे वो पंजाबी वर्ग है, पूरा का पूरा समर्थन है। अभी अर्जुन नगर में अभी 2-4 दिन पहले वहां पे हमारे एक जनसभा थी, पूरी की पूरी अर्जुन नगर
इतना खचा खच भरे हुए थे और सभी ने पूर्ण समर्थन का उन्हें जो है ना विश्वास दिलाया। मन बना चुकी है जनता, बिल्कुल मन बना चुकी है। और 4 जून जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन आप देख लेना, वो यही बोला जाएगा टीवी द्वारा, आप सभी साथियों के द्वारा, वो यहाँ से राज बब्बर लाखों वोटों से जीत गए। बिल्कुल ये जो ऊपर जो नारेबाजी हो रही है 400 पार 400 पार, वो 150-200 से ज्यादा ऊपर कुछ नहीं होने वाला। जितने भी चरण हो चुके हैं बहुत कम परसेंटेज वोट हो रही है, जो पोलिंग हो रही है, और उसका परिणाम ये है मोदी साहब को कोई पसंद नहीं कर रहा। जो नए मतदाता हैं वो भी उनको पसंद नहीं कर रहे, पुराने तो छोड़ो आप, मतलब। और हमारे यहाँ पे राज बब्बर जी, उनको पूरा 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है एकदम। और यहाँ पे आप देखना जो ये राजा है, अहंकारी राजा, 3-4 लाख वोटों से हारेगा और राज बब्बर जी जीतेंगे। और हमारे यहाँ जो 10 की 10 सीटें पूरे हरियाणा में, चाहे एक आम पार्टी की और 9 कांग्रेस की है, सारी की सारा जो है ना इंडिया अलायंस जीतेगा। और बुरा हाल रहेगा बीजेपी का पूरे इंडिया में, पर हमारे हरियाणा में तो बिल्कुल साफ है जो माहौल बन रहा है। गाँव में कैसे समर्थन मिल रहा है राज बब्बर जी? गाँव में बहुत बढ़िया, हम तो कई बार दौरों में साथ जा रहे हैं, भरपूर समर्थन मतलब मिल रहा है और दुनिया बिल्कुल उमड़ रही है सारी एकदम, जो है ना बब्बर साहब की जय जयकार हो रही है। कांग्रेस पार्टी आ रही है और बिल्कुल गवर्नमेंट बना रही है यहाँ पे इंडिया में भी, और आगे भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं जहाँ भी कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। और जो बीजेपी का जो शासन है यहाँ पे, जेजेपी और उन्होंने जो मलाई खाई है उसको जवाब देगी जनता।